नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी कांवर यात्रा 2022 में हम चल चुके हैं और पटना से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी आगे बाढ़ एक नगर है, वहाँ उसी से आगे लगभग 4 किलोमीटर और आगे आएंगे तो NTPC है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से सुल्तानगंज की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं और आज हो सकता है शाम तक हम सुल्तानगंज पहुँच जाएँ। तो अभी हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा NTPC है, पावर प्लांट है, और ये लगभग 1999 में यहाँ स्थापित है। यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है और ऐसा मानना है कि लगभग 2023 में 402 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होगा यहाँ से। अभी जो है उतना नहीं है, कुछ मशीनें भी नहीं चल रही हैं, ऐसा विकिपीडिया के अनुसार मैं देखा हूँ। तो हम इस समय जहाँ पर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक ढाबा है, हम लोग यहाँ पर रुके थे और चाय पानी किए, नाश्ता किए। इसके बाद जो है अब यहाँ से चलेंगे और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोग से जानते हैं कि यह कौन सी जगह है और यहाँ पे NTPC का प्लान बैठाने से इस क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ है यहाँ से। सर स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? मुखो वीरेंद्र नाम है। अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये NTPC पावर प्लांट है, इससे बिजली यहाँ पर उत्पादन होती है, तो क्या इसमें जितने वर्कर यही लोकल होंगे ज़्यादातर? हाँ, लोकल भी है ठीक ठाक। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ये यहाँ से लगभग सुल्तानगंज कितना दूरी होगा? लगभग करीब 100 से ऊपर है। अच्छा हाँ। और ये बाढ़ जिला नहीं है क्या? जिला नहीं, है नहीं, पटना जिला है। अच्छा, पटना जिला। तो ये बाढ़ सर क्यों नाम पड़ा है? बाढ़ बहुत ज़्यादा इधर बाढ़ उड़ाता है क्या? हाँ, थोड़ा फ्लड व्लड ज़्यादा आता था। तो बरसात में बाढ़ आ जाता होगा ये पूरा? हाँ, आ जाता है। और किस नाम से ज़्यादा इधर चर्चित है यहाँ पे? बाढ़े के नाम से है। कुछ वैसा चीज़ है जो यहाँ मशहूर हो? इस यहाँ का मशहूर है लाई, चुंदी पर के लाई। चुंदी पर के लाई? हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या है सर? लाई है, खोवा का बनता है। अच्छा जी। मीठा है? मीठा है, मीठा है। तो उसको खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते होंगे लोग? हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी सावन 10 दिन में अभी चलने वाला है, तो पहले की अपेक्षा 2 साल लॉकडाउन था, उस साल की अपेक्षा इस साल क्या? अभी अब की साल तो बहुत अच्छा बुझा रहा है, बाबा भोला बुलावेंगे सब आदमी को। हाँ, 2 साल तो हम लोग आए नहीं थे लॉकडाउन में, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय स्थिति ठीक नहीं था, ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अभी भोला बाबा बुलावेंगे। अभी कांवरियों का भी जत्था देखे कि नहीं जाते हुए? अभी देख रहे हैं कुछ कुछ। हाँ हाँ, जा रहे हैं, लेकिन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। अच्छा हाँ। देखिए, 2 साल से लॉकडाउन था और सभी लोग जो है 2 साल बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर पाए, तो काफ़ी इस समय व्याकुल हैं कि नहीं भोलेनाथ का कब दर्शन हो। और शायद इसी उम्मीद से लोग हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और जो इधर के लोकल के दुकानदार भाई हैं वो लोग भी उम्मीद लगाए हैं कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा कांवरिया बम आएंगे और काफ़ी जो है उनके बिक्री होगी, लाभ होगा। तो हम इस समय हैं यहाँ पे NTPC के बगल में और यहाँ पे दुकानदार, आपका दुकान है सर? आप कितने साल से यहाँ पे दुकान चलाते हैं? 9 महीना, अभी महीनों नहीं पूरा। अच्छा, अभी नई खोले हैं? नया खोले हैं। तब तो इनको पुराना एक्सपीरियंस होगा नहीं, न्यू खोले हैं। लेकिन हम देखते हैं आगे, फिर कहीं अगर पुराना कोई दुकान है तो उनसे बात करेंगे कि जो पहले चल रहा था सामान, तो उस समय कांवरिया बम की वजह से उनकी दुकान में कितनी प्रॉफिट होती थी, अब जो है 2 साल बंद था उसमें क्या उनका स्थिति था और अब जो है क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ही पलों में जो है शाम तक आप लोग देखते रहेंगे वीडियो, तब तक हम पहुंच जाएंगे सुल्तानगंज, इसके बाद वहां का हम पूरा व्यू दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल बम, बोल बम।